सो हेलो गाइस, क्या चलेंगे आप लोग, बढ़िया होंगे। तो भाई फाइनली यार आज की वाली वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ अपना गेमिंग लैपटॉप। सो यार ये वाला वीडियो में गाइस मैं पर तुम लोग का अपना गेमिंग लैपटॉप ही दिखाने वाला हूँ। मेरा मतलब गाइस उसके स्पेसिफिकेशन दिखाने वाला हूँ कि भाई उसके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा है, कौन सा प्रोसेसर लगा है। इसी वीडियो में गाइस मैं पर तुम लोग को दिखाऊंगा गाइस मैं पर माइनक्राफ्ट खेल के एंड उसके अंदर भाई हम लोग यहाँ पर देखते कितने एफपीएस मिलते हैं। अगर गाइस मैं पर सच बताऊंगा गाइस मैंने यहाँ पर जिस प्राइस पॉइंट पे अपना गेमिंग लैपटॉप लिया उसके हिसाब से भाई यहाँ पर एफपीएस काफी तगड़े आते हैं। और मैंने ये गेमिंग लैपटॉप कितने में परचेज किया एंड भाई इस गेमिंग लैपटॉप में क्या कुछ है नहीं है सब देखेंगे भाई आज की इस वाली वीडियो में। जल्दी से जाओ एंड भाई फटाफट इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड भाई नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना उस पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड उसी पे एक बार और क्लिक करो एंड यहाँ पर बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसको भी ऑल पे सेट कर देना। तो चलो भाई लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, तो ये रहा हम लोग का गेमिंग लैपटॉप एंड भाई तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइज मैंने जो गेमिंग लैपटॉप लिया ये लिया गाइज मैंने यहाँ पर लेनोवो की तरफ से। एंड ये गाइज यहाँ पर गेमिंग लैपटॉप है 2024 एडिशन जो कि भाई यहाँ पर लेनोवो की तरफ से आता है, लेनोवो एलो क्यू। तो चलो भाई फटाफट से अपने गेमिंग लैपटॉप को खोल लेते हैं, आई मीन भाई इस डब्बे से अपना लैपटॉप निकाल लेते हैं। एंड एक और चीज भाई यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भाई लेनोवो वाले ना गाइज अपने लैपटॉप को भाई काफी अच्छे तरीके से पैकिंग करके बेचते हैं। एंड वैसे तो गाइज मैंने यहाँ पर ये लैपटॉप को ना भाई यहाँ पर ऑफलाइन लिया, अगर तुम लोग गाइज यहाँ पर ऑनलाइन भी लोगे तो गाइज यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि भाई अभी यहाँ पर तुम लोग ने देखा ना भाई यहाँ पर दोनों साइड से भाई यहाँ पर लेनोवो वाले ने गाइज यहाँ पर मजबूत वाला फोम लगा के भेजा है। एंड तुम लोग ये देखो भाई ये आगे हम लोग के लेनोवो की तरफ से चार्जर जो कि भाई यहाँ पर 170 वाट का है। एंड भाई तुम लोग यहाँ पर कलर करेक्शन को इग्नोर करना क्योंकि भाई मेरे भाई ने पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा के इसको रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा येलो टाइप का दिख रहा होगा बट फिर भी गाइस तुम लोग यहाँ पर इसको इग्नोर करना। ओ भाई लेट्स गो यार, ये देखो भाई ये आगे हम लोग का यहाँ पर गेमिंग लैपटॉप लेनोवो एलो क्यू। एंड भाई तुम लोग ना इसके एक बार पोर्ट्स देखो भाई, ये नॉर्मल लैपटॉप की तरह बगल में नहीं रहते भाई, तुम लोग यहाँ पर ये देख तो भाई इसके सारे के सारे पोर्ट्स भाई इसके पीछे की साइड में रहते हैं। एंड इस लैपटॉप का एग्जॉस्ट भी भाई तुम लोग यहाँ पर देख तो भाई पीछे की साइड में एंड नीचे की साइड में यहाँ पर तुम लोग को दिखाता हूँ भाई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से भाई ठंडी ठंडी हवा लैपटॉप के अंदर जाएगी। चलो भाई फटाफट से अभी ओपन कर लेते हैं अपने लैपटॉप को एंड भाई जैसे तुम लोग यहाँ पर लैपटॉप को ओपन करोगे भाई तुम लोग यहाँ पर कुछ कागज देखने को मिलेगा। वैसे तो गाइस ये किसी काम के नहीं लेकिन फिर भी गाइस ना तुम लोग इसको फेंकना मत, इसको किसी अच्छे जगह पे संभाल के रख देना। ओके तो गाइस चलो अभी ना गाइस हम लोग यहाँ पर अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं भाई, देखते हैं भाई इसका कितना बूटअप टाइम लगता है। ओके तो गाइज ऑलमोस्ट गाइज यहाँ पर 15 से 16 सेकंड लग गए भाई यहाँ पर लैपटॉप को बूट होने में, बट गाइज ये रियल बूटिंग टाइम नहीं है लैपटॉप का। जब गाइज मैंने ना इस लैपटॉप को यहाँ पर एक से दो दिन यूज किया ना तब गाइज इसका बूटिंग टाइम 11 से 12 सेकंड हो गया, यही है गाइज इसका रियल बूटिंग टाइम क्योंकि भाई ये ना यहाँ पर न्यू लैपटॉप है इसलिए भाई यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया इसको बूट होने में। ओके तो गाइज चलो अभी ना गाइज यहाँ पर फटाफट से गाइज मैं अपने गेमिंग लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ भाई इसमें क्या क्या चीज लगा हुआ है। उसके लिए गाइज हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे विंडोज वाले आइकन पे, उधर से गाइज हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं टास्क मैनेजर पे एंड इसको ना गाइज मैं यहाँ पर बिग स्क्रीन में कर लेता हूँ। ऑल राइट तो अभी यहाँ पर क्लिक करते हैं इस थ्री लाइन पे एंड गाइज यहाँ से हम लोग चलते हैं भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे। ओके तो अभी गाइज मैं पर तुम लोग को गाइज यहाँ पर सीक्वेंस दिखा देता हूँ भाई, पहले हम लोग यहाँ पर सीपीयू से शुरू करते हैं। ओके तो गाइज ये क्लिक किया गाइज मैंने यहाँ पर सीपीयू वाले सेक्शन पे एंड गाइज यहाँ पर इधर की साइड को चलते हैं भाई, तुम लोग यहाँ पर ये देख सकते हो सीपीयू में गाइज हम लोग का यहाँ पर आ जाता है i5 का 12th जेन वो भी गाइज यहाँ पर 12450HX के साथ। एंड अभी गाइज यहाँ पर चलते हैं भाई यहाँ पर मेमोरी वाले सेक्शन पे, भाई मैं पर तुम लोग को दिखा देता हूँ भाई मेरे इस पीसी के अंदर भाई यहाँ पर कितना जीबी रैम लगा हुआ है। तो भाई तुम लोग यहाँ पर ये देखो इसके अंदर भाई यहाँ पर लगा हुआ है 16 GB रैम वो भी गाइज यहाँ पर 4800 MHz वाला। भाई तुम लोग यहाँ पर ये देख सकते हो भाई ये रहा हम लोग का स्टोरेज जो कि भाई NVMe SSD है जो कि भाई यहाँ पर आ जाता है 500 GB के साथ, बट गाइज यहाँ पर 477 GB दिया हुआ है। अगर गाइज तुम लोग भी लोगे ना तो भाई यहाँ पर तुम लोग को भी गाइज यहाँ पर 477 GB मिलेगा, वो गाइज यहाँ पर ऐसे ही रहता है पता नहीं ऐसा क्यों करता है कंपनी वाले। एंड भाई तुम लोग यहाँ पर ये देखो भाई ये रहा हम लोग का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड जो कि भाई प्रोसेसर के साथ आता है एंड भाई ये रहा हम लोग का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो कि भाई यहाँ पर आ जाता है NVIDIA की तरफ से GeForce RTX 3050 वो भी गाइज यहाँ पर 6 GB। एंड इसकी TGP की बात किया जाए तो भाई इसका TGP है भाई यहाँ पर 95 वॉट। तो तुम लोग सोच सकते हो भाई यहाँ पर गेमिंग में क्या ही मजा आने वाला है। गाइस मैंने ना इसका एक सिनेमेटिक शॉट भी बनाया इस 30 कैमरे के साथ जो कि भाई तुम लोग यहाँ पर भी देख ही सकते हो भाई कैसा क्वालिटी है इसका। एंड अभी गाइस ना मैं यहाँ पर तुम लोग को इसका एक सिनेमेटिक शॉट दिखाने वाला हूं इस 30 कैमरे के साथ, सो प्लीज भाई इसको स्किप मत करना। फिर उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर माइनक्राफ्ट खेल के दिखाऊंगा भाई तुम लोग को कितना FPS मिलता है मेरे को। लेट्स गो भाई लोग।
होप गाइस तुम लोग को ना ये सिनेमैटिक शॉट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दो, एंड अगर अच्छा नहीं लगा तो भी गाइस तुम लोग यहाँ पर इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई फोन के टट्टी कैमरे के साथ भाई मैं पर क्या ही सिनेमैटिक शॉट बना पाऊंगा। एंड वैसे भी गाइस मुझे यहाँ पर सिनेमैटिक बनाने का कोई आइडिया भी नहीं है। चलो गाइस अभी ना यहाँ पर तुम लोग को दिखा देता हूं भाई माइनक्राफ्ट में मुझे यहाँ पर कितने एफपीएस मिलते हैं। ऑलराइट गाइस तो मैं यहाँ पर माइनक्राफ्ट खेलने के लिए गाइस मैं यहाँ पर यूज करता हूँ टी लॉन्चर का। एंड गाइस तुम लोग यहाँ पर कौन सा लॉन्चर यूज करते हो माइनक्राफ्ट खेलने के लिए गाइस मुझे यहाँ पर कमेंट कर जरूर बताना। एंड गाइस मैं ना यहाँ पर तुम लोग को एक बात बताता हूँ भाई, इस लैपटॉप का हुए ना गाइस यहाँ पर 2 महीने हो गए, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए गाइस इस वाली वीडियो में ना गाइस यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप गाइस जो मैंने यहाँ पर 2 महीने पहले रिकॉर्ड किया था वो गाइस मैंने यहाँ पर यूज किया। एंड गाइस यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप को जस्ट अभी गाइस मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके गाइस यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अगर गाइस तुम लोग का ना पीसी में गाइस यहाँ पर टी लॉन्चर को कैसे सेटअप करते हैं, उसके अंदर भाई तुम लोग यहाँ पर कैसे जावा एडिशन खेल सकते हो, अगर गाइस तुम लोग का ना इस टी लॉन्चर के सेटअप के ऊपर एक वीडियो चाहिए जैसे गाइस मैंने यहाँ पर कैसे कैसे सेटअप किया वैसे गाइस तुम लोग यहाँ पर सेटअप कर सकते हो एंड भाई यहाँ पर जावा एडिशन खेल सकते हो। हाँ तो अगर तुम लोग को इस टी लॉन्चर के सेटअप के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर हैकिंग भाई के चैनल का लिंक दे दिया, तुम लोग बस जाओ उनके किसी वीडियो पे कमेंट करो टी लॉन्चर सेटअप एंड हैकिंग भाई, अगर ज्यादा कमेंट वहाँ पर मिला तो हैकिंग भाई पक्का इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पर इस सेटिंग से भाई मैंने यहाँ पर अपने एफपीएस को भी ऑन कर लिया। रुको भाई मैं पर तुम लोग को एफपीएस दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ भाई यार कैमरे को एडजस्ट करने दो। हाँ तो भाई तुम लोग यहाँ पर ये देख सकते हो, अरे भाई फोकस तो कर ले। हाँ ओके तो भाई अभी तुम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो भाई मुझे यहाँ पर 500 से 600 एफपीएस मिल रहे हैं। जब गाइस मैं यहाँ पर इस लैपटॉप को ना भाई यहाँ पर चार्जर में कनेक्ट कर देता हूँ एंड भाई इसका परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देता हूँ, तब भाई तुम लोग यहाँ पर देखना इससे ज्यादा ही एफपीएस आते हैं, मतलब पूरा ज्यादा नहीं भाई तुम लोग को इससे ज्यादा ही एफपीएस देखने को मिलेगा। नो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते भाई मुझे गेमिंग लैपटॉप कितने का पड़ा, तो भाई मुझे गेमिंग लैपटॉप ऑलमोस्ट भाई 67,500 का पड़ा। एंड अगर गाइस तुम लोग यहाँ पर इस गेमिंग लैपटॉप को भाई तुम लोग यहाँ पर अमेज़न पे सर्च करोगे तो भाई तुम लोग यहाँ पर ये देखो भाई यही सब तुम लोग यहाँ पर पढ़ के परचेस करना। नो गाइस अभी मैं पर तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बताने बोलो, अगर भाई तुम लोग यहाँ पर इस गेमिंग लैपटॉप को परचेस करना चाहते तो भाई इसकी अगली वीडियो को तुम लोग जरूर देखना, क्योंकि भाई मैंने ना इस गेमिंग लैपटॉप को भाई यहाँ पर 2 महीने तक यूज किया, भाई इन 2 महीने में लैपटॉप पर क्या हुआ ना वो गाइस मैं पर तुम लोग अगली वीडियो में बताऊंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मेरा जो चैनल है ना वो गाइस यहाँ पर माइनक्राफ्ट से रिलेटेड है। एंड अभी जो गाइस तुम लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो ना भाई ये वीडियो चलेगी या फिर नहीं चलेगी, एंड अगर भाई ये वीडियो चल गई ना तो भाई मैं इसका पक्का सेकंड पार्ट लाऊंगा। एंड गाइस तुम लोग ना कमेंट भी करना ताकि भाई मुझे यहाँ पर याद रहे। एंड हाँ भाई तुम लोग ना उस वीडियो को देखे बिना इस गेमिंग लैपटॉप को परचेस मत करना, बाकी भाई तुम्हारी मर्जी, इन 2 महीने में ना भाई यहाँ पर इस गेमिंग लैपटॉप के साथ क्या हुआ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सो या गाइस बस ये थी आज की इसलिए वीडियो में, एंड भाई तुम लोग को ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, एंड चैनल पे न्यू है पहली बार है तो चैनल को भी यहाँ से सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।